आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस उम्र में आप टूर पे जाएंगे? क्या हुआ रिया, क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रही है? पूछो जरा अपने मम्मी पापा से क्या हुआ है। क्या हुआ पापा? वो बेटा, हमारा सीनियर सिटीजन का ग्रुप, पूरा ग्रुप हिमाचल घूमने जा रहा है, तो मैं सोचा मैं और तेरी मम्मी घूम के आ जाते, क्योंकि जिम्मेदारियों की वजह से मैं तेरी मम्मी को कहीं भी घुमा के नहीं ला पाया। तो ले जाओ ना, क्या हुआ? पर वो बेटा, एक हफ्ते का टूर है, तो हम दोनों के करीब 20,000 रुपए खर्च होंगे। 20,000 रुपए लूट नहीं रहे वो लोग आप लोगों को? नहीं नहीं बेटा, अरे इसी पैसे में हमारा आना जाना, रहना खाना और वहां पर जो भी खर्चा होगा ना, वो सब इसी में है, तो 20,000 ज्यादा। हाँ बेटा, नहीं इस टाइम हम आपका ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उम्र आप दोनों की भजन कीर्तन करने की है, ना कि टूर पे जाने की। बेटा, इस टूर पर हमारी उम्र के लोग जा रहे हैं, नहीं तो हम भी मना कर देते। जैसे मैंने पूरी जिंदगी घर में रह के बिता दी, आगे भी बिता देती। और बेटा, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक मैं तेरी मम्मी को कहीं भी घुमा के नहीं ला पाया, तो इसलिए बेटा मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। देखिए मम्मी पापा, हम लोग अभी आपका ये टूर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, घर में और भी जो इतने खर्चे हैं, आप लोगों को समझना चाहिए। इस उम्र में टूर पे जाके क्या करोगे आप लोग? बेटा संजू, बाबा रिया ठीक कह रही है, हम ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उन्हें मना कर दीजिए। ठीक ही तो कह रहे हैं दोनों, अरे अब ये उम्र थोड़ी है हमारी घूमने फिरने की, उम्र तो है राम का नाम लेने की। अच्छा, घूमने फिरने की कोई उम्र नहीं होती? ये सब मेरी गलती है, जब जब तुमने घूमने के लिए कहा मैंने हर बार ये कह दिया अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, बाद में बाद में, करते करते पूरी उम्र निकल गई, बच्चों के चक्कर में अपने को भूल ही गए थे। अरे माँ बाप बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं, तो बच्चों का भी तो फर्ज है माँ बाप की इच्छा पूरी करने का। क्या हमें प्यार की जरूरत नहीं है? चुप हो जाओ, अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, आप रो मत। जब तक जॉब थी सब ठीक चल रहा था, और रिटायरमेंट के बाद तो उनके हाव भाव ही बदल गए। क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो, कुछ बताओ तो सही। कर क्या रहे हो? अभी आता हूं। अरे कहां जा रहे हो, कुछ बताकर तो जाओ। बस अभी आता हूं थोड़ी देर में। सुबह से शाम हो गई है, पता नहीं कहां चले गए हैं, कम से कम बताकर तो जाना चाहिए कहां जा रहे हैं। टूर पे जाने से मना कर दिया तो क्या मुंह फुलाकर घर से निकल जाएंगे? 20,000 रुपए दे दो इन्हें टूर पे जाने के लिए, बुढ़ापे में ना खुद चैन से रहेंगे
ना हमें चैन से रहने देंगे। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? मैं तो एक पैसा नहीं देने वाली हूं। अरे कहां चले गए थे? अरे कम से कम बताकर तो जाते। रुक जाओ, सांस ले लो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। ये क्या है? हिमाचल के टूर के टिकट हैं इसमें। ऐसे कहां से आए? तुमने किसी से उधार लिए? देखो मैं ये उधार के पैसों पे घूमने कहीं नहीं जाऊंगी। आप जाओ और इसे वापस कराओ। पापा जी मुझे नहीं पता था कि आप टूर पे जाने के लिए इस हद तक चले जाओगे कि किसी से उधार पैसे लेकर टिकट्स लेकर आओगे। छी छी किस लिए बेटा? अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए? अभी बेटा इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, मुझे किसी से उधार मांगना पड़ेगा। ये मेरे पैसे हैं और मैं इन्हें अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूं। और तुम्हें बता देता हूं कि रिटायरमेंट के समय मैंने अपने पैसों में से एक एफडी कर दी थी, उसी को तोड़वा के लाया। और हां बेटा, जो भूल मैंने की थी वो तुम मत करना। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में अपनी और अपनी पत्नी की खुशियों को बलिदान मत करना, क्योंकि बच्चे हो या बड़े, प्यार की सबको जरूरत होती है। और एक बात यह है कि टूर से आने के बाद मैं और तुम्हारी मम्मी अलग रहेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमें बोझ समझकर और कल को ओल्ड एज होम में हमें छोड़ने चले जाओ। उससे पहले ही हम अलग हो जाएंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी इसमें, फिर से एक नया घर बसाने में? हमेशा।